हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। आज दिन है शुक्रवार और सुबह हो चुकी है और इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे गांव से जो कि है संभल के अंदर दहेली गांव। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं मुरादाबाद की ओर, कुछ काम है, उसके बाद दोपहर के बाद हम जाएंगे स्पेशल जगह पर जो एक स्पेशल चीज है। तो पहले ये पार्ट दो पार्ट में आएगा ये, तो पहले हम आपको मुरादाबाद के नज़ारे दिखाते हैं और कुछ वहाँ अपना पर्सनल काम भी है और उसके बाद आपको वहाँ पर हम भ्रमण भी कराएंगे। कहाँ का भ्रमण करवाएंगे? मुरादाबाद का, गाँव का भ्रमण करवाएंगे। हाँ, गाँव का भी कराएंगे, मुरादाबाद का भी कराएंगे। तो बिना किसी देर के चलते हैं, शुरू करें, चलिए आरम्भ किया जाए। और लगे कान में हेडफोन लगा लो भैया, म्यूजिक बहुत वाले आने वाले हैं अभी, क्योंकि अगर एंजॉय करना है तो कहते हैं ना ऐसे वॉइस नहीं आएगी। तो पूरे तरीके से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए, अगर आप रसोई में हैं तो फोन को आगे रख लीजिए और शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। चलो आरंभ किया जाए। दोस्तों हम निकल चुके हैं अब और आपको अपने पहले गांव के नज़ारे दिखाते हैं। सुबह सुबह की यहाँ की भाग दौड़ भाई साहब, सुबह सुबह लोग 5 बजे से शुरू हो जाते हैं और 5 बजे से देखिए यहाँ पर धान की खेती जो है ना उसकी कटाई हो रही है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ना सुबह सुबह लोग लग चुके हैं धान की कटाई में और धान काटे जा रहे हैं, और धान मतलब चावल की खेती और उनकी कटाई हो रही है, उसके बाद उसको सुखा कर उसको निकाला जाएगा मशीनों के द्वारा, चावल जो कि आप तक पहुँचेगा। तो आप दुकानों से खरीदते हैं? हाँ, हर इंसान बिजी है अभी, अभी सब लोग बिजी है, सुबह सुबह 5 बजे से सब लोग बिजी हो जाते हैं और दोपहर तक तो सारा काम करके वापस भी आ जाते हैं। वैसे मैं बहुत लेजी कर लूँ क्योंकि मैं 10-11 बजे नॉर्मल सो के उठती हूँ, पर गांव में आके है ना सुबह 6 बजे ही उठ जाती हूँ यहाँ पे, और 6 बजे ही है ना ऐसा लगता है यहाँ पे कि हाँ भाई आवाज़ें इतनी ज़्यादा आने लग जाती हैं कि अपने आप ही है ना उठना पड़ जाता है, नींद ही उठ जाती है, ऐसा लगता है कि ना गांव में ही आके बस जाए। पर हम ऐसा विचार बना रहे हैं गाँव में आने का, पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ बसेंगे हम, हरिद्वार भी बसेंगे, कहाँ बसेंगे पता नहीं, अब वो माता रानी कहाँ बसाए। दिल्ली तो छोड़ना है क्योंकि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो चुका है, मन नहीं करता वहाँ रहने का बिल्कुल भी नहीं। देखो खेत हो, खेत में दिखाओ भाई साहब, देखो क्या बढ़िया नज़ारे हैं सुबह सुबह के, सुबह सुबह के नज़ारे। तो भाई देखो मैं आ गया हूँ मुरादाबाद कचहरी पर, और कचहरी का काम ख़त्म करके है ना, कोर्ट कचहरी का काम ख़त्म करके, और हम यहाँ पर उड़ा रहे हैं मुरादाबादी चाट। वाह गजब भाई, खा के टेस्ट बताओ। शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है। शक्ल, हाँ हाँ हाँ, उस खुशबू नहीं देखी, सौंधी सौंधी खुशबू। है ना, वो सिंपल बनाई है, बिल्कुल सिंपल, उसने खट्टी मीठी चटनी डाली है, ऊपर से एक मसाला डाला है और बस सिंपल मुरादाबादी चाट। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह भाई,
इसके बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। मैं दिखाता हूँ, मैं रिव्यू दूंगा। वाह, गजब भाई गजब, मज़ा आ गया। तो भाई आप कभी भी अगर मुरादाबाद आते हो तो मुरादाबाद में मुरादाबादी चाट आपको कहीं भी मिल जाएगी। मसाला है ना, टेस्टी है मसाला इसमें। गजब शॉर्ट खट्टी मीठी जो चटनी डाली है ना, हाँ 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 भाई साहब, वो ना मतलब दिल में छू गई। तो भाई ये फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम आपको। हम घूमते घूमते खाते पीते गाते बजाते आ गए हैं मुरादाबाद जंक्शन। भैया दिखाओ कैमरे वाले बाबू, देखो ये है मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन। यहाँ पर मोस्टली सभी गाड़ियाँ, कोई सी ऐसी ट्रेन नहीं है जो यहाँ ना रुकती हो, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे वो शताब्दी हो, चाहे वो राजधानी हो, सभी ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं, यहाँ पर उसका हॉल्ट है। तो मुरादाबाद की भीड़ से निकलते हुए हम जा रहे हैं दोबारा से अपने गांव की ओर, क्योंकि यहाँ का काम खत्म हो चुका है। यहाँ का काम खत्म हो चुका है और चाट हमने खा लिया, मुरादाबादी चाट। और हाँ, अगर आप मुरादाबाद से तो आप जरूर बताएं कि आपने और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर खाने वाली हैं और आपने क्या क्या खाया है अगर आप कभी मुरादाबाद आए हैं। हाँ, और जो यहाँ के लोग देख रहे होंगे जो यहाँ का और कोई फेमस चीज है तो जरूर बताना, हम जरूर ट्राई करेंगे। अगर आप मुरादाबाद से है ना, तो यहाँ की फेमस जगह या कोई टूरिस्ट स्पॉट है या कोई आध्यात्मिक जगह है तो मुरादाबाद में जरूर बताएं हमें, क्योंकि हम भी बहुत जल्दी फिर से आने वाले हैं। और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं तो शायद उनके साथ में ही जाएं जो यहाँ के रहने वाले हैं और उनको पता है। बिल्कुल, इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है मेरे भाई, व्हाट्सएप का चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल पे भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल, व्हाट्सएप चैनल बन गया है, हम बना दिए हैं। तो जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको स्पेशली कि आप हमें कांटेक्ट करें और यहाँ के बारे में बताएं कि यहाँ पे और क्या ऐसी चीज़ है सीक्रेट जो हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, बताना चाहिए उसके बारे में जो लोगों को नहीं पता है। क्योंकि हम काफ़ी टाइम पहले आए थे तो यहाँ पे एक काली मंदिर था, कौन सी जगह था वो, लालबाग काली माता मंदिर, तो हमें भी नहीं पता था वहाँ के बारे में, पर हमें किसी ने बताया कि वहाँ पे खुद माँ काली प्रकट हुई थी। तो वहाँ का भी हमने मंदिर सबको वीडियो में बताया था, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता चलता है। सिर्फ एक यूट्यूब ही एक ऐसा चैनल है जिनके माध्यम से हम अपने मंदिरों को बता सकते हैं कि ये भी एक सीक्रेट जो छुपे हुए राज हैं वो सबके सामने आ सके, है ना? या तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर जरूर करना, और मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग अभी इसके जस्ट बाद आएगा। हाँ जी, अभी हम कहीं जा रहे हैं तो उसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। हाँ, हमारी सकल। हाँ, तो तब तक के लिए बाय बाय।